नमस्कार दोस्तों। तो आज हम एक और नई वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हैं, और ये वीडियो आज की जो चर्चा का मुद्दा रहेगा वो फिर से वर्ग दो ही रहेगा। वर्ग दो में हमने देखा है कि एक जो पेपर की कटिंग वायरल हो रही है उसका सच सभी जानना चाहते हैं कि क्या बहुत सारे यूट्यूबर बोलते हैं कि वो फेक है और बहुत सारे बोलते हैं कि सच है। तो हमने सोचा कि क्यों ना आज हम इस पेपर कटिंग पे ही एक वीडियो बना दें और आपको सच सच बता दें कि क्या ये सच में जो वर्ग दो के पदों की जो जानकारी दी गई है पेपर में 8,454, ये सही है या नहीं है। तो फिर हमने इसी इसी कड़ी में हमने सोचा कि चलो इसकी जांच करते हैं। तो फर्स्ट तो हमने वो पेपर कटिंग निकाली कि पेपर कटिंग कहाँ की ऐसी वायरल हो रही है। तो हमने पेपर कटिंग निकाली तो उसमें वो था दैनिक भास्कर का, वो न्यूज़ थी दैनिक भास्कर की, और वो उसमें पेपर कटिंग में तारीख भी शो हो रही थी 12/7/2023। 12 तारीख का पेपर था, 12 जुलाई का। तो फिर हमने सोचा कि चलो तो फिर वो पेपर ही ढूंढ लेते हैं। तो फिर हम गए डायरेक्ट लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी जाकर हमने वो पेपर निकाला 12 तारीख वाला। 12 तारीख वाले पेपर निकाला तो 12 तारीख वाले पेपर में हमने देखा तो पढ़ा पूरा अखबार। फिर पहले तो फ्रंट पे तो हमें जो छोटी कटिंग है वो मिल गई कि इतनी पदों पर भर्ती आने वाली है और इसी महीने आने वाली है। तो उसका शेष भाग 13 पेज नंबर पे था। तो दोनों मिलाकर हमने देखा, दोनों में पढ़ा, जिलेवार भी सही साठ उसमें बता रखा है, उसमें पदों की संख्या जो हमें यूट्यूबर्स ने हमें पेपर कटिंग बताई है सेम वो का वही अखबार में भी छपा हुआ है। तो ये तो बात सच निकली कि वर्ग दो की जो पदों की संख्या पेपर में बताई गई है वो एकदम सच सच है, कि जो पेपर कटिंग वायरल हो रही है वो सही में सच बात है। तो अभी तो हम पेपर कटिंग की तो हमने जांच पड़ताल कर ली कि चलो ठीक है, पेपर कटिंग में तो आया भी हुआ है और दैनिक भास्कर एक विश्वसनीय अखबार है, उसकी सच्चाई पर हम कभी झुठला भी नहीं सकते, कुछ ना कुछ अंदर से खुफिया जानकारी आई होगी। तो फिर हमने सोचा कि चलो एक बार ये पीईबी से भी कंफर्म कर लेते हैं। बट हमने पीईबी में कॉल करा, कस्टमर आईडी पे कस्टमर कॉल नंबर है उसका, तो उस पर कॉल करा तो उसमें हमने पूछा कि क्या आपके पीईबी में भी ऐसा कुछ नोटिफिकेशन आने वाला है क्या सर। तो वैसे तो हमें पहले ही पता था कि कोई भी बड़ी संस्था ऐसे एक कॉल पे अपन को जानकारी नहीं देती है, वो देती है उसकी वेबसाइट पर, उसकी वेबसाइट पे ही वो जो भी नोटिफिकेशन है अपडेट करती है। तो वैसा ही जवाब हमें वहाँ से भी मिला कि अगर कुछ भी अपडेट होगा वर्ग दो के बारे में, एमपी वर्ग दो के बारे में, तो हम आपको वेबसाइट पे बताएंगे, ना कि किसी न्यूज़ अखबार में पेपर में देंगे। तो ऐसी जानकारी हमें वहाँ से मिली। तो ये तो सच ही है कि कोई भी संस्था ऐसे नहीं देती है जानकारी। अगर हमें ही अगर कॉल लगा लगा के पूछ लेना था तो फिर हर एक बंदा कॉल लगा लगा के पूछ लेता, तो वो तो अपनी वेबसाइट पे ही देंगे। पर एक ये अंदर की जानकारी होती है जो कि एक पत्रकार हासिल करता है, क्योंकि उसके बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो पत्रकारों को तो ये जानकारी है ही सही। तो जैसे तो पत्र इसमें बताया गया था न्यूज़पेपर में कि इसी महीने आ जाएगा नोटिफिकेशन, बट आज महीने की आखिरी तारीख है, तो आखिरी तारीख तक तो अभी तक हमें कोई नोटिफिकेशन नहीं मिला है वर्ग दो का। अब मामा जी क्या चाहते हैं, क्या पता पत्रकार वार्ता में थोड़ी गड़बड़ी हुई है या उनकी कुछ ना कुछ ऐसी इनके बीच में कनेक्शन में कुछ दिक्कत आई है, कि वर्ग दो जहाँ दैनिक भास्कर में बताया गया था कि आखिरी इस महीने के आखिरी तक वर्ग दो का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे अभी वर्ग दो के एडमिट कार्ड जारी हो रहे हैं, और एडमिट कार्ड के बीच में ही अगर हमारी वर्ग दो का भी ये नोटिफिकेशन निकाल देंगे तो कहीं ना कहीं वर्ग एक के जैसे अभी एडमिट कार्ड निकल रहे हो, इसी बीच अगर हमारा नोटिफिकेशन भी आ गया वर्ग दो का, तो क्या होगा कि फिर से एक ऑनलाइन ही इनकी साइट फिर से डीम हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि फिर ना तो ये खुलेगा ना वो खुलेगा, क्योंकि हमारे एमपी व्यापम की साइट आपको पता ही है कैसे चलती है, बहुत फास्ट चलती है, जिसकी वजह से क्या है कि बच्चे एकदम से रह जाते हैं फॉर्म भरना, किसी का अगर एडमिट कार्ड नहीं निकले तो फिर वो वंचित हो जाएगा एग्ज़ाम से। इसके लिए क्या करते हैं कि अभी इन्होंने थोड़ा टाल दिया है, मेरे हिसाब से पहले सप्ताह तक तो आ ही जाना चाहिए वर्ग दो का नोटिफिकेशन, क्योंकि
आखिरी सप्ताह तक भी नहीं आया है, तो पहले सप्ताह में, अगस्त के पहले सप्ताह में अगर हमें खुशखबरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। और दोस्तों आप बताइए आपकी तैयारी कैसे क्या चल रही है मुझे कमेंट बॉक्स में, और तैयारी तो करते रहिए क्योंकि जल्दी नोटिफिकेशन आने वाला है, क्योंकि अखबार में तो आ ही चुका है, अब बस हमें ऑफिशियली मामा जी भी प्रोवाइड करा दें उनकी वेबसाइट पे व्यापम की, तो बहुत ही उनका आभार रहेगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं इसी बात पे चर्चा करना चाहता था कि ये क्या बात, ये सच है या नहीं है। तो फिर मैंने पूरी पड़ताल है, पक्का ये एकदम कन्फर्म ली है कि हाँ न्यूज़पेपर में तो ये सच्ची बात है कि पेपर में पूरी डिटेल दे रखी है कि किस जिले में कितने पद खाली हैं और वर्ग दो के कितने हैं, वर्ग तीन के कितने हैं, किस विषय में कितने हैं, ये सारी अगर कन्फर्मली सच है तो जितने पद उसमें बताए गए हैं वो भी सच होगा। तो अब इसकी जानकारी तो आगे ये नोटिफिकेशन में ही मिलेगी। तो आज के लिए बस इतना ही, बस यही कहना चाहूँगा कि जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहेगी। जय हिंद, जय भारत।